नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिस पर लगातार 15 सालों से संकट के बादल छाए रहते हैं। जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल गए हैं, तब से इनेलो पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है। इतना ही नहीं, परिवार भी पूरी तरह से तोड़फाड़ हो गया। अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के इनेलो ने भी अपनी तैयारियों में जोर शोर से इस समय जुट चुकी है। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल का इस आने वाले चुनाव में उभर पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि पूरे खा पंचायतें भी इनका साथ दे रही है। वे चाहते हैं कि इनेलो एक हो जाएं, यानी नई नवेली दुष्यंत चौटाला की पार्टी JJP और इनेलो एक होकर के आने वाला विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े। हालांकि राजनीतिक तौर पर ऐसा लगता नहीं है कि ये परिवार एक हो पाएगा। हालांकि इस बात पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला मुहर लगा चुके हैं कि अजय सिंह चाहे तो मैं एक होने के लिए तैयार हूँ, और दुष्यंत चौटाला को वो CM मानने को भी तैयार हैं। और अजय सिंह चौटाला अगर कहेंगे, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो कहेंगे तो मैं राजनीतिक तौर पर पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अभय सिंह चौटाला का ये अपने आप में बड़ा बयान था। इस बीच इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने के लिए 25 सितंबर का दिन चुना है। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जन्मदिन होने के कारण इस मौके पर इनेलो कैथल में एक समारोह का आयोजन करने जा रही है। इस संबंध में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, और पंजाबी धर्मशाला में आयोजित बैठक में अभय सिंह चौटाला ने 25 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी थी। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। लाखों लोग जो है चौधरी साहब के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण, हर बार विरोध कभी सोनीपत, कभी करनाल, कभी कुरुक्षेत्र, उन जिलों में लाखों की संख्या में करके देश भर से लोग आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते। अब की बार हमने कैथल के साथियों ने रिक्वेस्ट करी, इसलिए कैथल ने इसका फैसला किया कि हाँ करें। आज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग होती है उसके सिलसिले में रखी, और क्योंकि अब तो चुनाव की भी घोषणा एक दो दिन में होने वाली है, कभी किसी वक्त भी चुनाव घोषित हो सकते हैं, तो जहाँ कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर की एक जिम्मेवारी दी गई है, वहीं उसके साथ साथ आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं से एक विशेष जिम्मेवारी, कमजोर कहने की बात करें कमजोर, आज कम से कम अशोक अरोड़ा जी को ये निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए था कि जिस व्यक्ति ने तेरी इतनी बड़ी पहचान बना दी, अगर आज वो सलाखों के पीछे, अगर वो जेल से बाहर आ जाए तो उसके बाद तो चाहे वो फर्जी जो फैसला ले, लेकिन इस वक्त में जो फैसला उन्होंने लिया वो फैसला केवल स्वार्थ में लिया गया, वो फैसला कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए नहीं लिया गया, वो पार्टी के लिए नहीं लिया गया। अगर पार्टी के कुरुक्षेत्र के लोगों के उद्देश्य होते तो फिर अशोक अरोड़ा हाँ ये ठीक है कि चुनाव हारना जीतना ये लोगों के हाथ में है, चुनाव हारना जीतना कोई किसी के बस की बात नहीं है। लोग जिसको चाहेंगे उसको विधानसभा में भेजेंगे, लोग जिसको चाहेंगे लोकसभा में भेजेंगे, लेकिन इतनी बड़ी बात कहकर पार्टी को छोड़ना जो है, आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे बता दो कि क्या इतनी बड़ी बात कह करके कोई पार्टी को छोड़ करके जाता है, तो फिर कहीं स्वार्थ है नहीं है। स्वार्थ में अगर पार्टी को छोड़ता है तो बड़ा विश्वासघात अपने साथ भी करता है बेईमानी और लोगों के साथ दे रहे हैं, मुझे इस बात का पता नहीं है। लेकिन अजय सिंह चौटाला जी आप के लोगों के सामने खड़े होकर के कसम लेकर उनसे वायदा किया था कि आप के लोगों से कुछ, उन्होंने मुझे बताया कि मैं हर हालत के अंदर इस सारे रिजोल्व करूंगा और मैं आपके फैसले को स्वीकार करूंगा। आज कोई अगर उस फैसले को नहीं स्वीकार कर रहा है तो इसके लिए खाप पंचायत ही आप लोगों को कुछ बता सकेगी। मेरा फैसला आज भी जो का त्यों है, मैंने पहले दिन कहा था कि जो खाप पंचायत फैसला करेगी मुझे मंजूर है, और मुझे खाप पंचायत के अलावा भी अजय सिंह चौटाला क्या फैसला करे मुझे वो भी मंजूर है। अगर अजय सिंह चौटाला मुझे ये कहेगा कि तू राजनीतिक रूप से घर बैठ जा, इनको आगे होकर के राजनीति करने दे, तो मैं वो बड़े भाई के नाते उसकी